हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। और ये जो है सेवन्थ वीडियो है ऑर्डर एंड रैंकिंग पे। और ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में। आपको हर एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी या यूपीएससी, सीसेट या प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स में, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सो क्वेश्चन है MNOPQR, छः लोग हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं MNOPQR। When arranged in descending order, descending order means सबसे पहले जो क्या होगा, जैसे बड़ा जो वैल्यू है 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या हो गया हम लोग का, descending order हो गया। So when arranged in descending order of their weight, means अगर इनके weight suppose 5 क्या है kg है, 4 क्या है kg है, तो अगर इनको descending order में arrange किया जाए वेट के फॉर्म में, मतलब 5 kg, 4 kg, ये सब क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते से घटते, मींस क्या है 5, 4, 3, 2, 1, सो बड़ा से छोटा हम लोग जा रहे हैं। फ्रॉम टॉप क्यू बिकम्स थर्ड हेवीएस्ट। सो अगर हम लोग इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मींस बड़ा से छोटा नंबर की तरफ, बड़ा से छोटा वेट की तरफ अरेंज कर रहे हैं, सो क्यू क्या है वो हो जाता है थर्ड हेवीएस्ट। सो देखिए कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। सो हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अरेंज करेंगे इन 6 लोगों को। तो जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करते हैं, तब क्यू क्या है वो थर्ड हाईएस्ट हो जाता है। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा हेवी होगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम हेवी, उससे कम हेवी, उससे कम हेवी। सो क्यू जो क्या है वो थर्ड हेवीएस्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, आर इज़ बिटवीन एम एंड क्यू। सो क्यू यहाँ पर है, तो आर यहाँ भी हो सकता है, देखिए आर बी यहाँ पर हो सकता है और एम यहाँ पर हो सकता है। ये बोल रहा है कि R जो है M एंड Q के बीच में होगा, तो या तो M यहाँ पे होगा या M यहाँ पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और पॉसिबल अरेंजमेंट बना लेंगे, उसके बाद चीज़ें क्या है आसान हो जाएंगी। तो Q जो क्या है वो थर्ड हेवीएस्ट है। पहले अरेंजमेंट में हम लोग मान लेते हैं कि M यहाँ पे है, और दूसरे अरेंजमेंट में हम लोग मान लेते हैं कि M यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आर इज़ बिटवीन एम एंड क्यू। सो R जो है वो M और Q के बीच में है। सो पहले अरेंजमेंट में R यहाँ पे आएगा, दूसरे अरेंजमेंट में जो क्या बोल रहा है, R जो है M एंड Q के बीच में है, तो दूसरे अरेंजमेंट में यहाँ पे आएगा। तो हम लोग का इस लाइन तक क्या है क्लियर हो गया है, ठीक है। अब O एंड P आर नाइदर एट द टॉप नॉर एट द लास्ट, मीन्स O और P जो है ना तो सबसे ज़्यादा हेवी है और ना सबसे ज़्यादा क्या है कम है, ठीक है। तो O और P को हम लोग कहाँ बैठाएंगे, बस एक ही प्लेस बचा हुआ है जहाँ पे हम लोग दोनों को नहीं प्लेस कर सकते, O और P को नहीं प्लेस कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे, क्योंकि जो दो और जगह बचे हुए हैं वहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि O और P ना तो सबसे ज़्यादा हेवी है और ना सबसे ज़्यादा क्या है लिस्ट वेट के हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट हैं। तो O और P को एक जगह पर हम लोग नहीं प्लेस कर सकते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट हम लोग ने लिया था वो क्या है गलत है। अब देखिए दूसरे अरेंजमेंट में यहाँ पे O और P को हम लोग नहीं प्लेस कर सकते हैं, अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, O और P में से कोई एक जो है वो क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा लाइट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि O और P ना तो हेवीएस्ट है और ना ही सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है, मीन्स O और P या तो यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे होगा। इसका पोजीशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि O और P कहाँ पे होगा। अब देखिए 5 लोगों को हम लोगों ने बैठा चुका है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग बैठ चुके हैं, एक कौन बचा, तो एक जो बच रहा है वो है आपका N है, तो N क्या है यहाँ पे बैठ जाएगा, राइट। O और P में हम लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु अमॉन्ग ऑफ देम इज सेकेंड हैवीएस्ट अकॉर्डिंग टू देयर वेट। सो ये क्या है, बड़ा से छोटा में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो सबसे ज़्यादा हेवी एम है, उसके बाद आपको हेवी कौन है आर है, तो हमारा जो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर जो है वो सबसे ज़्यादा हेवी है। अगर पूछता है कि तीसरे, चौथे या पांचवें पोजीशन पे कौन होगा, फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे कौन होगा, या सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे कौन होगा, तो फोर्थ पोजीशन पे ओ या पी में से कोई एक हो सकता है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा, O और P होगा, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि O बैठेगा कि P बैठेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा जो है वो सफिशियंट नहीं है O और P के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, अमॉन्ग Q, P, L, M एंड N, 5 लोग दिया हुआ है, Q, P, L, M एंड
in each A scores different marks, P A scores more than only L and N. So P जो है वो L and N से ज़्यादा स्कोर कर रहा है, लेकिन हम लोग को ये नहीं दिया गया है कि P L से ज़्यादा है और L N से ज़्यादा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, या P N से ज़्यादा है और N L से ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये इन्फॉर्मेशन है कि P जो है N और L दोनों से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड लेस देन M एंड Q, P जो है L एंड N से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करता है लेकिन M एंड Q से कम मार्क्स स्कोर करता है। यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है कि M Q से ज़्यादा है और Q P से ज़्यादा है, या Q M से ज़्यादा है या M P से ज़्यादा है, बस इतना दिया हुआ है कि M एंड Q जो क्या है वो P से ज़्यादा स्कोर करता है और P जो क्या है L एंड N से ज़्यादा स्कोर करता है। तो हम लोग को इतना डेटा और ये अरेंजमेंट मिलता है उनके स्कोर्स का क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हु स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क्स। सो हाईएस्ट मार्क्स या तो M को मिलेगा या Q को मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, M को ज़्यादा स्कोर मिलेगा या Q को ज़्यादा स्कोर मिलेगा, ये डेटा जो है आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है तो ये पूछना भी गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट, मीन्स डेटा जो है उतना सफिशियंट नहीं है कि हम बता पाएँ कि M ज़्यादा बड़ा होगा या Q ज़्यादा बड़ा होगा, M को ज़्यादा स्कोर होगा या Q को ज़्यादा स्कोर होगा। इतना तो तय है कि M और Q में से किसी एक जो है स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि कौन सा किसका स्कोर जो है वो हाईएस्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट। धन्यवाद आप लोग का बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए।